इंदौर में रेसिडेंसी स्थित आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक बुलाई गई, जिसमें भाजपा प्रतिनिधि व कलेक्टर मनीष सिंह मौजूद थे। लेफ्ट राइट आने वाले त्योहारों के विषय में कलेक्टर सिंह ने बताया कि सोमवार से इंदौर में जोन 2 में आउटर क्षेत्र 29 गांवों में लेफ्ट राइट सिस्टम हटा दिया गया है। सोमवार से शनिवार तक यहां नियमित बाजार नियमों के साथ खुलेंगे। मध्य क्षेत्र में संक्रमण क्षेत्र होने से फिलहाल कोई बदलाव नहीं है, लेफ्ट राइट सिस्टम से ही बाजार खुलेंगे। त्योहारों को नज़दीक देखते हुए कहा कि त्योहारों में कोई ज़्यादा सख्ती नहीं रहेगी, फिलहाल जो है वैसे ही रहेगा। और लोगों से अपील करते हुए कहा कि त्योहारों में कम से कम आना जाना करें व स्वयं को सुरक्षित करें। लॉकडाउन को लेकर कहा कि फिलहाल अभी कोई लॉकडाउन नहीं है, स्थिति बिगड़ने पर लॉकडाउन की ओर जाना पड़ सकता है। इंदौर ब्यूरो के साथ मंथन सैन की रिपोर्ट। आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई थी और इसमें पूरा डिटेल कोरोना के स्टेटस पर चर्चा हुई, जिस प्रकार से आज से 10-12 दिन पहले केसेस बढ़े थे और जो निर्णय उस समय लिए गए थे लेफ्ट राइट के और उस पर उसके क्या प्रभाव पड़ा है, मंडियां बंद की गई थी तत्समय, और आज क्या पॉजिटिविटी रेट है, क्या डबलिंग रेट है, किस प्रकार से केसेस आ रहे हैं, किस क्षेत्र से आ रहे हैं, ग्रामीण में कितना है, शहर में कितना है, इन सब पर विस्तृत चर्चा हुई आज वो। और ये अभी आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में ये निर्णय लिया गया है कि मंडे से जो जोन 2 है, मतलब मध्य क्षेत्र का बाहर का क्षेत्र और 29 गांव के बीच का क्षेत्र, नगर निगम सीमा में 29 गांव मध्य क्षेत्र बीच का क्षेत्र, जो शहरी क्षेत्र बोलते हैं जोन 2, वहां पर लेफ्ट राइट से जो अभी दुकानें खुल रही थी, सोमवार से वहां दोनों तरफ की दुकानें खुल सकेंगी और मध्य क्षेत्र में सख्ती यथावत रहेगी। मध्य क्षेत्र में अभी कोई इसमें लेफ्ट राइट से कोई प्रतिबंध में शिथिलता नहीं दी जा रही है। इसमें संडे ही केवल बंद रहेगा, सैटरडे को अभी आवश्यकता नहीं होने की वजह से सैटरडे को हम लोगों ने टेकअप नहीं किया है बंद होने में। और मंडी के बारे में भी चर्चा हुई है, मंडी के एसोसिएशन को बुला के एक बार फिर से बात करेंगे कि अगर हम लोग, अभी शनिवार तक के लिए ऑर्डर था हमारा, अगर मंडे से हम लोग सब्जी चौथराम सब्जी मंडी या निरंजनपुर को खोलते हैं, किस प्रकार से प्रिकॉशंस लेंगे, किस प्रकार से वो लोग इस बार गलतियाँ नहीं करेंगे जो पिछली बार गलतियाँ हुई थी कि पॉजिटिव केस आने के बावजूद 2-3 दिन दुकान में कार्य करते रहे, उससे फैला लोगों में, किस प्रकार से आम जनता को आने से रोकेंगे, एक बार चर्चा कर लें। उसके बाद फिर मंडी भी अगली वीक में खोलेंगे, मंडे से खोलेंगे, ट्यूसडे से खोलेंगे अभी नहीं बता सकता, उनसे चर्चा करके खोली जाएगी उसको। उनका संजय शुक्ला जी माननीय विधायक जी का ये तर्क हो सकता है ये, और जो भी चीज़ें हो रही हैं कोरोना संक्रमण के हिसाब से हो रही हैं, कितनी हम लोग की बेड कैपेसिटी है उस प्रकार से रिलैक्सेशन दे रहे हैं हम लोग, और संख्या अधिक बढ़ती है तो बेड्स ख़त्म होते हैं और स्थिति ऐसी निर्मित होती है जो लॉकडाउन तरफ जाती है, वो स्थिति निर्मित नहीं हो, इसलिए ये सब हम लोग निर्णय लेते हैं। ये संजय शुक्ला जी का फ़ोन मेरे पास नहीं आया है, अगर मेरे पास आएगा तो मैं उन्हें स्थिति पूरी डिटेल बतला के अपनी तरफ से फ़ोन करके उनको कोरोना का क्या स्थिति है, कितने बेड्स हम लोग पास हैं आज तारीख में, समुचित संख्या में है, इसीलिए हम लोग जोन 2 में फ्रीडम भी दे रहे हैं, और ICU क्या स्टेटस है बतलाएंगे तो डेफिनेटली सुलझे हुए व्यक्ति हैं उसको कन्विंस होंगे और वो प्रशासन के निर्णय को इस पर सही ठहराएंगे। वो देखिए सहरबा सख्ती से काम नहीं चलता है, फरवरी अप्रैल से जनता स्ट्रगल कर रही है कोरोना को, अप्रैल मई जून जुलाई लगभग 4 महीने हो गए हैं, सभी में चेतना आ गई है, सभी में ट्रीटमेंट के लिए अवेयरनेस आ गई है, लोग अब स्मेल जाने पे या टेस्ट बदलने में पकड़ने लग गए हैं कि हमको कोरोना का संक्रमण हो सकता है, उसकी जांच करा रहे हैं और ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं। साथ साथ लोगों को ये भी मालूम है कि अगर मास्क का सही उपयोग नहीं किया, आज कोई भी व्यक्ति कहीं भी खड़ा है वो संक्रमित व्यक्ति हो सकता है, वो ये मान के चलना चाहिए, और अगर थोड़ा भी लापरवाही करते हैं लोग तो संक्रमण होता भी है। जितनी भी पार्टियाँ हुई, जितनी शादियाँ हुई, जितनी बर्थडे पार्टीज़ हुई, या जितनी मार्केट के क्षेत्रों में लोगों ने भीड़ में जाकर के खरीदारियाँ की या मंडी में खरीदारियाँ हुई, उससे संक्रमण हुआ है। उसमें लोग बाहर गए हैं शादी अटेंड करने, इंदौर से बाहर जब लौट के आए हैं तो पूरे पूरे परिवार संक्रमित हो गए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।